सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी से भी झूठ बोली लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोली। विफलताएं तभी आती है जब हम अपनी आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल बैठते हैं। कल की चिंता नहीं, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। आज का पंचांग 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, सुबह 4:11 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 2:29 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:24 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 7:42 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार, आज ग्रहों की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। आपने पिछले समय में कई मौके पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में है। सुलह करने और संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और अब खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें। दिन बहुत ही सकारात्मक व्यतीत होगा। रिश्तेदारों तथा घर परिवार में भी संबंध और अधिक मजबूत बनेंगे। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से सभी व्यवस्था उचित बनी रहेगी। आपको किसी विशेष स्थान पर उचित मान सम्मान मिलने की संभावना बन रही है। लोगों की भावनाएं समझने की कोशिश करें, इससे नाराजगी दूर होगी। रिश्तों को दोबारा सुधारने का मौका आपके द्वारा दिए जाएंगे। बच्चों के प्रति जो चिंता थी वो दूर हो सकती है। निजी जीवन की गोपनीय बातें किसी से ना करें। बिजनेस में उतार चढ़ाव हो सकता है, पैसों से जुड़ी चिंता हो सकती है। पार्टनर को अकेलापन भी महसूस ना होने दें। सावधानियां, अत्यधिक कार्यभार की वजह से दिन भर भागा दौड़ी की स्थिति बनी रहेगी। दूसरों के मामलों में अधिक हस्तक्षेप न करें। बच्चों की संगति और गतिविधियों पर नजरअंदाज जरूरी है। अगर किसी योजना में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं तो पहले ही अनुभवी से विचार विमर्श करना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से संबंधों में और अधिक नजदीकी आएगी। आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने के बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर की बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर हर बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बात करते हैं करियर की। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज अब अपनी निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। व्यावसायिक मामलों में कोई निर्णय लेने में असमंजस्य की स्थिति बने तो स्टाफ तथा कर्मचारियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा और उनके सहयोग से आपका कार्यभार भी हल्का होगा। साझेदारी में कोई नया कार्य शुरू हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। गैस और कब्ज की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त रह सकती है। खान पान के मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। महिलाओं को सेहत में उतार चढ़ाव आएगा, ध्यान रखें। आज का उपाय, गणेश भगवान जी की आज पूजा आराधना करें और मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।